पीछे खड़ा था, वे सात आठ कदम चले और एक हमलावर ने उनकी तरफ आगमन करा, उन तक पहुंचा और पांव छूने के बहाने झुका और जल्दी से उठकर उनके चश्मे पे हाथ डाला, चश्मा खींचा, चश्मा तोड़ दिया, उनके मुंह पर हमला किया और जो लाल मिर्च पाउडर वो लाया था वो मुख्यमंत्री जी की आंख में डालने का प्रयास उस हमलावर ने किया। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली सचिवालय, जो दिल्ली की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग कही जाती है, जहां दिल्ली पुलिस की सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, उस सचिवालय में कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से घुस जाता है और दिल्ली पुलिस उसे मुख्यमंत्री जी के दफ्तर के बाहर खड़े होने की अनुमति दे देती है। मैं आज यहां से ये कहना चाहता हूं कि ये अटैक, ये हमला एक व्यक्ति पर नहीं है, ये हमला दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बहुमत से चुने गए मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर है। अर्थात मतलब ये हमला सीधा सीधा दिल्ली की जनता पर है, ये दिल्ली की जनता के मत पर बीजेपी ने हमला करा है। ये केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, हम सब पर हमला है, पूरी दिल्ली पर हमला है। दूसरी चीज, पिछले 3-3.5 साल में 5 बार से अधिक मुख्यमंत्री जी पर हमला हो चुका है, जानलेवा हमला। 29 राज्यों में से इकलौता ऐसा राज्य है दिल्ली जिसकी पुलिस निठल्ली है, जो अपने मुख्यमंत्री की रक्षा नहीं कर पा रही है। आप मुझे बताइए कि यदि दिल्ली पुलिस अपने मुख्यमंत्री की रक्षा नहीं कर सकती तो क्या दिल्ली की पुलिस दिल्ली की जनता की रक्षा कर सकती है? क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली में चोरी, डकैती, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार रोक सकती है? यदि इस देश में कोई एक पुलिस सबसे निकम्मी है तो वो है दिल्ली पुलिस। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सबको कह दिया है कि यदि आप अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करोगे तो आपको पूरा संरक्षण हम देंगे, छत्र छाया देंगे और आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ऐसा लगता है कि पूरी बीजेपी मुख्यमंत्री जी की जान लेना चाहती है। मैं आज यहां से अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, कि राजनीति करनी है तो राजनीति के मैदान में आकर राजनीति करो। ये चोरी छुपे हमलावरों को भेजकर ऐसी नपुंसक काम ना करो। हम इनसे भी नहीं डरेंगे, ना आज तक डरे हैं। आप सीबीआई भेजिए, दिल्ली पुलिस भेजिए, जितने मर्जी हमलावर भेजिए, पर राजनीति करनी है तो राजनीति के मैदान में आकर, आमने सामने आकर करो, इस प्रकार की हरकतें ना करो। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबके यहाँ आने से पूरी दिल्ली में और खास करके दिल्ली के राजनीतिक दलों को, भारतीय जनता पार्टी को एक मैसेज गया है कि ये हमला किसी एक व्यक्ति पर नहीं है, ये हमला दिल्ली की जनता के हर उस व्यक्ति पर है जिसने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। जय हिंद, जय भारत।